तीन त्योहार हो गए, करवा चौथ, रक्षाबंधन भी हो गया, भी करवा चौथ पूरा। लेकिन अब एक त्योहार और आने वाला है। एक मैक इनको दे दिया जाए। अच्छा भैया, अच्छा। ये गीत आपको सुना है जिसमें खरीदारों कहा क्या कि जिसने ये पहनाई है ये रास्ता तो हम जानते हैं। गरेर के गरेरे गुरुवार। एक बार भगवान श्री गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहने लगे, माँ माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सयाना हो गया हूँ, अब हमारी भी कहीं शादी करवा दो। और का, हम भी तो करवा चौथ मनाएं। क्या बात, बारे बारे हमारी भी शादी करवा दो, हमारी भी किस्मत खुल जाए। तो माता पार्वती हंसने लगी। गणेश जी ने कहा, माता माँ अरे मैं कह रहा हूँ मेरी शादी करवा दो, आप उत्तर नहीं दे रहे हो बल्कि हंस रही हो। हैं क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो घी सुनिएगा के बिघनों के हर का स्वामी कहलाए जो बिघन। बिघनों के हर का स्वामी कहलाते जो बिघने, बिघनों के हर का स्वामी कहलाते जो बिघने। एक दिवस माँ शिवानी से बोले श्री गणेश, दायित्व का माँ अपने निर्वाह कीजिए, दायित्व का माँ अपने निर्वाह कीजिए, और अपने ललन का माता विवाह कीजिए। ये बात सुन के सुत की हंसने लगी मैया, तुमसे सोचो मेरे छैया। अरे कहूँ ना तुम्हारी तुमसे क्या करेगी, इसीलिए तो मैं हंस रही हूँ। गणेश जी ने कहा, क्यों माँ मुझ में क्या कमी है? तो माता ने कहा, ना रूप ये पसंद करे कोई कुमारी, ना रूप ये पसंद करे कोई कुमारी, लंबी लंबी सूर तुम्हारी। ये बात है, कौन लड़की पसंद करेगी तुमको? तुम्हारी लंबी लंबी सूर किसको अच्छी लगेगी? कोई नहीं करेगा।
ना रूप ये पसंद करे कोई कुमार, भाएगी किसको लंबी लंबी सूंड तुम्हारी। अरे एक तो तुम्हारा कद ही बेटा बहुत छोटा, अभी छोटे हो छोटू, एक तो तुम्हारा कद ही बेटा बहुत छोटा, और तू क्या ये ऊंचा ऊंचा पेट है बहुत दूसरे पेट इतना लंबा मोटा भारी सा पेट। हाँ तो हूँ करवा पूंजक सोच रहे हो। मैंने मनन किया है जो मुझसे, अरे मन हाँ मैंने मनन किया है जो मुझको दिखा, जहां तक मैं समझ रही हूँ। मैंने मनन किया है जो मुझको दिखा है, तेरे भाग में ब्रह्मा ने ना ब्याह लिखा है। तुम्हारे भाग में ब्रह्मा ने ब्याह नहीं लिखा रखता है गणेश। रेखा बनाई क्यों ना ये बैन उछाला, रेखा बनाई क्यों ना ये बैन उछाला। जब गणेश जी ने माता ने कहा कि हमको लगता है कि ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग में विवाह ही नहीं लिखा, तो मैं कैसे कर दूं? गणेश जी ने कहा ये ब्रह्मा कौन है, कहां रहते? तो माता ने कहा अरे ब्रह्मा ही सबके भाग्य का, सबके भाग्य की रचना करते हैं। तो कहा अच्छा, तो मां मैं आज ही ब्रह्मा से जाकर के पूछूंगा कि तुमने मेरे भाग्य में विवाह की लकीर क्यों नहीं बनाई। मैंने मनन किया है जो मुझको दिखा है, तेरे भाग में ब्रह्मा ने ना ब्याह लिखा है। तो कर दूं दुरुस्त होशो हवास जा पहुंचे, कर दूं दुरुस्त होशो हवास जा पहुंचे, और गौरी के लाल ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। रेखा बनाई क्यों ना ये बैन उजारा। हे विधाता, जब आप सबका भाग्य दिखते हैं तो हमारा भाग्य क्यों नहीं दिखा आपने? रेखा बनाई क्यों ना ये बैन उचारा, तो ब्रह्मा ने कहा कोई ना दोष हमारा। इसमें हमारा कोई दोष नहीं। उन्होंने कहा क्यों? क्यों गणेश जी ने कहा क्यों, जब आप सबका भाग्य दिखते हैं तो हमारा भाग्य क्यों नहीं दिखा? क्यों? तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनिए, मैं उनका भाग्य दिखता हूं जिनको मैं बनाता हूं अपनी सृष्टि में। सृष्टि में मैंने जिनको जन्म दिया उनके मैंने भाग्य दिखा, और तुम्हारी रचना तो तुम्हारी माता ने की है, तो हम और आपके भाग्य की रचना क्यों करें? जिस महाशक्ति को सभी ने नमन किया है, ब्रह्मा जी ने कहा जिस महाशक्ति को सभी ने नमन किया है, उस मां ने ही तुम्हारे तन का सृजन किया है। गणपति ने कहा कष्ट अपना हर के रहूं, अरे गणपति ने कहा कष्ट अपना हर के रहूंगा, और जैसे भी हो विवाह अपना करके रहने दीजिए। अपनी कलम अपने पास रखिए, मैं अपना विवाह खुद कर लूंगा। अब देखिए गणेश जी करते क्या है, हम खुद कर ले। क्रोध से आंखें लाल गणेश की, क्रोध से आंखें लाल गणेश की, भड़क रहे क्यों शोले बोले, तो चतुरानन से पीर गजानन ऐसी बात बोले। कहा कि कहता सच जाके
ने कहा कहाँ करोगे? सुखदेव जी ने कहा अरे कहता सच जाके आओ, अरे बरनी बरन करके, अरे कोई ना पाऊं, अरे कोई पाऊं ना तो लाऊं मैं लक्ष्मी हरण कर। रोकने के लिए चले, लेकिन गणेश जी ने सबको परास्त कर दिया। कहे कि ये चल दिए गणपति किसी के ना रुके रोके, कुछ जो आए मार खाए रुक गए वो वहीं रोके, रुक गए वो वहीं रोके। क्रोधित बहुत हरण करके, क्रोधित बहुत मैं जाऊं संयम का क्षरण करके, कोई जाऊं अरे कोई पाऊं ना तो लाऊं मैं लक्ष्मी हरण वहां देखा भगवान विष्णु लेटे हैं शेषैया पर, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही। बस गणेश जी ने क्या किया, कर चले थाम लक्ष्मी का, गणेश जी को रोक पाती। अब कहां जाऊं प्रिया पाऊं, वहां विष्णु कह रहे अरे कहां जाऊं प्रिया पाऊं कहो शिव शरण करके, तो कोई ले गया बताऊं मेरी लक्ष्मी हरण। समस्या आ गई विष्णु जी के सामने, कोई चारा नहीं दिख रहा है, तो भगवान शिव की शरण में गए। भगवान विष्णु कहा प्रभु कई बार मैंने आपकी समस्याओं का निराकरण किया है, अब मेरे सामने समस्या है प्रभु, उसका निराकरण आप करिए। भगवान शिव ने कहा क्या निराकरण करूं? विष्णु जी ने कहा कि आपके पुत्र गणेश जी हमारी लक्ष्मी को हरण करके ले गए, उनसे मेरी लक्ष्मी को दिलवाइए। भगवान शंकर विष्णु जी को लेके गणेश जी के पास गए, कहा बेटा
अरे ये तुम्हारी मौसी है। और क्या मौसी मौसी, इनको छोड़ दो गणेश विष्णु जी के हवाले कर दो, तुम्हारी माता के समान है। गणेश जी ने कहा सुनिए मैं छोड़ तो सकता हूं लेकिन मेरी एक शर्त है और इस बात का आप लोग वचन दीजिए वरदान दीजिए कि एक शर्त क्या सुनिएगा आखिर टुकड़ा कहा। गणेश जी ने कहा प्रभु लक्ष्मी वापस बोले गणेश की बात सुने हर के नर्मदेश्वर। मैं लक्ष्मी जी को छोड़ रहा हूं लेकिन मेरी एक शर्त है और वो आप लोग वचन दीजिए कि आज के बाद कि केवल वर्ष में एक दिन हो, हर दिन लक्ष्मी विष्णु जी के पास रहेंगी, हर दिन लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ रहेंगी लेकिन अरे केवल वर्ष में एक दिन कहूं निराकरण करके। हर दिन लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ रहें लेकिन एक दिन केवल साल में वर्ष में एक दिन लक्ष्मी जी मेरे साथ रहें और तभी से गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है वो दिन दीपावली का होता है। केवल बरस में एक दिन कहूं निराकरण करके कभी फिर पिताजी ना लाऊं लक्ष्मी हरण। कभी फिर पिताजी भैया दादा आप कह रहे थे क्रांति माला, मेरी शिकायत आपसे नहीं थी, मेरी शिकायत लेखपाल जी से थी, आपको बोलना नहीं चाहिए, आपको स्पष्टीकरण नहीं रखना चाहिए। दादा लेखपाल जी के पास माइक नहीं है, आपको भी माइक पर नहीं बोलना चाहिए, अगर उनको भी माइक मिलता तो वो अपनी बात रख पाते। और गया। आपने उसमें हमारे श्रीमान जी का भी नाम शामिल कर दिया कि मुझे के शर्मा जी ने बुक किया था, तो कहीं ना कहीं तो दोष आपने मुझ पर भी मर दिया। हम लोगों को बहुत कष्ट हो गया इस बात को, और जबकि आप खुद जानते हैं गलती, आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर ने मुझे कहा 8 दिन बिल्कुल गाइए नहीं, अच्छा 9 दिन नहीं हो पाए, 8 दिन के बाद तुरंत 9 दिन गाने आ गए, गिन के 8 दिन बाद गिन गया यार। तो बस पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखिए दादा, और क्या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जीवन भर गाते रहेंगे, और क्या एक आध कार्यक्रम की बात नहीं है, जीवन से बढ़कर कीर्तन नहीं है आपके मेरी समझ से, क्योंकि आप कितने अनमोल हैं कीर्तन जगत के लिए आप खुद नहीं जानते, आपकी जरूरत कितनी है कीर्तन जगत को। और क्या केवल आप लोग बने रहे दादा, और आप करें मेरा कार्यक्रम कैंसिल हो गया, आप
आप विश्वास रखिए लेखपाल जी की जबान पर, केवल आप आइएगा और बैठे रहिएगा। क्या बात, कुछ मत करिए और क्या, केवल वहाँ बैठे रहिए और फिर लेखपाल जी को परख लीजिए कि आपके सम्मान में, आपके पेमेंट में, आपके आने में, आपके जाने में कोई कमी नहीं मिलेगी। पूरा मंडल आइए, आप पूरा मंडल आइए, ससम्मान स्वागत है आपका, क्योंकि हर व्यक्ति उतना हल्का नहीं होता जितना व्यक्ति समझ लेता है उसको। और क्या, हल्कू थोड़ो नहीं है लेखपाल जी। चलिए एक गीत दादा ने और दिया है और मेरे मुहावरे वाले गाने का जवाब आप लोगों ने सुन लिया है। ये सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, कुछ नहीं कहना है। ये एक मूल्यवान पुरस्कार, 501 मुद्राएं हैं, जिसमें 101 मुद्राएं मेरे लिए, 101 मुद्राएं जो हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पांडे जी उनके लिए, 101 मुद्राएं जो हमारी पार्टी के रचनाकार हैं आदित्य भैया उनके लिए, 101 मुद्राएं जयकरन चचा के लिए और 101 मुद्राएं हमारे पप्पू चचा के लिए, और आदरणीय राजेंद्र यादव जी शुक्लागंज नाव आपकी तरफ से पुरस्कार है, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ, और माता रानी से आपके कार्यक्रम की सफलता के लिए मांग रही हूँ। अच्छा, आपने लिखा बबुआ भैया रह गए, तो उनके लिए भी 101 मुद्राएं आदमी राजेंद्र यादव जी आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह, मेरे मंडल का खिलौना है, और क्या, हम 20 साल से साथ में, मेरा भाई है। अच्छा, आपने लिखा है कि बबुआ पांडे जैसा ढोलक वादक कोई नहीं। सही है, अच्छा है, आप लोगों का ही स्नेह है, आपका आशीर्वाद है, ये जो भी है बबुआ के पास या हमारे पास, धन्यवाद। गीत कह रहा दादा, अभी गीत हालांकि इस समय का नहीं था दादा, लेकिन आपने गाया है, स्वागत है। गीत कह रहा था कि जिसने ये पहनाई है, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, गीत में आपके हैं भगवान गणेश लक्ष्मी का हरण करके ले जा रहे हैं। हालो हालो, इसको बढ़ाओ भैया, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बहुत बढ़िया बोल रहा था। हेलो हेलो, सीटी हो रही कहीं, हेलो 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 हेलो, आपके गीत में गणेश भगवान ने लक्ष्मी का हरण कर लिया, विष्णु जी परेशान हैं, तो अंत में केवल इतनी बात आई कि गणेश जी ने कहा सब दिन तो आपके साथ रहे लेकिन दीपावली में जब पूजन हो तो मेरे साथ पूजी जाए। सारी कहानी को पूरा कर दिया आपने, कई कोई जगह आप छोड़ देते दादा तो मैं अगल बगल से जवाब दे देती, लेकिन जब कहानी पूरी हो गई तो जवाब का रास्ता बदल गई हूँ, लेकिन गणेश और लक्ष्मी बदलेंगे नहीं। ठीक है, कैसे कैसे, जब प्रेम के रस से
जब प्रेम के रस से पुनः काया गई धुलसी, जब प्रेम के रस से पुनः काया गई धुलसी, तो लक्ष्मी धरा पर कहलाई वो तुलसी। दुनिया जानती है, ज्यादा विस्तृत रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कहानी बच्चे बच्चे जानते हैं। जब प्रेम के रस से पुनः काया गई धुलसी, तो लक्ष्मी धरा पर कहलाई वो तुलसी। तो तुलसी के मन में तब एक ख्याल है आया। अब तुलसी के मन में क्या ख्याल आया? तुलसी के मन में एक तब ख्याल है आया, गणपति से चल के जाया अपने ब्याह रचाया। तुलसी ने सोचा कि भगवान गणेश से मेरा विवाह हो जाए, तो गणपति से चल के जाए अपना ब्याह रचाया। तो गणपति से बोली, आप मेरा हरण कीजिए। वही तुलसी गणपति से बोली, आप मेरा हरण कीजिए, मेरे दुखों का आप आज हरण कीजिए। अब इधर गणपति ने जब ये सुना तो गणपति ने कहा, कथन का आधार नहीं है। गणपति ने कहा, कथन का आधार नहीं है, निवेदन आपका स्वीकार नहीं। मैं जानता हूँ श्री हरि की, गणेश भगवान ने कहा है तुलसी, से है तो मेरी माँ हो तुम। विष्णु जी मेरे पिता के समान हैं और तुम मेरी माँ के समान हो। तुम चाह रही हो मेरा विवाह तुमसे हो जाए, लेकिन दादा आपके गाने में काम लगाया है जो बताया नहीं। आपके गाने की लाइन का अक्षर से शुरू है और का पर बंद है। बस जब आप सुनिए, जब इतना सुना तो गणेश जी कहने लगे, हे तुलसी, हे तुलसी, के कई बीते बरस लक्ष्मी, सुहानी की वही वही तुलसी देखिए कहां से कहां पहुंच रही है। इनकी बात आप कर रहे हैं कि कई बीते बरस लक्ष्मी ने फिर पूरी कहानी की। कहते हैं ग्रंथ बन तुलसी पुनः काया सुहानी की। तो कहती गणराज से बरे, वही तुलसी गणेश से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तो कहती गणराज से वर, तुम बनो मेरा वरण करके। दादा का अक्षर से शुरू है, का पर बंद है। कहती गणराज से वर, तुम बनो मेरा वरण करके, कार्य पूरा करो अब तुम मेरा पाण ग्रहण कर। जब शब्दों की कारीगरी लगानी पड़ती तो गीत का भाव खत्म हो जाता है। ऐसा ही आपके गीत में मुझे नजर आया।
खुशबू कहां पे बंद के चक्कर में सब माठा हो गया। और अगर मुझको ना निपटाए तो आप कहेंगे मेरा गाना यहाँ से शुरू था यहाँ से बंद उठा, इसलिए मुझे भी वही करना पड़ रहा है। कहती गणराज से वर तुम बनो मेरा वरण करके कार्य पूरा करो अब तुम मेरा पान ग्रहण कर। से विवाह करिए, देखिए होता का क्या है। शाबाश। के कहते गणपति बनो ना पति, शाबाश। कहते गणपति बनो ना पति अभी आयु तपस्या की। भगवान ने कहा हे तुलसी तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो लेकिन अभी मेरी आयु तपस्या करने की है, विवाह नहीं कर सकता। तुलसी को क्रोध आ गया, कहते गणपति बनो ना पति अभी आयु तपस्या की। तो कोई शाप दे तुलसी ने पैदा तब समस्या की। तुलसी ने भगवान गणेश को श्राप दिया और गणेश ने तुलसी को भी श्राप दिया। देखिए कैसा अजीब वृतांत है, आपके किस्से से अलग किस्सा है मेरा। गोपिये श्राप दे तुलसी ने तब पैदा समस्या की। तुलसी ने कहा गणपति के कहती सुख ना पाओ दुखी अंतःकरण करके। जाओ गणेश तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। कहती सुख ना पाओ दुखी अंतःकरण करके करो कार्य पूरा अब तुम मेरा कार्य ग्रहण कर। गीत की अंतिम पंक्ति सुनिएगा और देखिए गीत में सार क्या निकला। क्या के कथन तुलसी का बनता है, तुलसी का कथन क्या बना। कथन तुलसी का बनता है गणपति के बढ़ने का है। कहां से शुरू कहां पर बंद करने का प्रयास कर रहा हूं। के कथन तुलसी का बनता है तो गणपति का है के को गणपति के पढ़ने का। कभी मुझ पे चढ़ोगी ना तुम, गणपति ने श्राप दे दिया कि जाओ तुलसी तुम मेरे ऊपर कभी चढ़ाई नहीं जाओगी। और आप लोग जानते हैं तुलसी भाई पावन है पवित्र है फिर भी कभी गणेश पर तुलसी चढ़ाई नहीं जाती। और तो ऐसा करते हैं जिनको नहीं मालूम उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका परिणाम गलत होता है। गणेश ने तुलसी का त्याग त्याग कर दिया, कहा जाओ तुलसी आज आज के बाद तुम मुझ पर चढ़ोगी नहीं। तो कथन तुलसी का बनता है तो गणपति के बढ़ने का। तो कभी मुझ पे चढ़ोगी ना यही कारण ना चढ़ने का। कभी मुझ पे चढ़ोगी ना यही कारण है चढ़ने का, यही कारण ना चढ़ने का। कुछ ना कुछ होगा